बड़वानी जिले के राजपुर मंडी में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सभा के दौरान समर्थकों ने राहुल गांधी को साफा जैकेट पहनाया, वही राहुल गांधी ने तुरंत उतार दिया। वही अपने उद्बोधन में भाजपा को आड़े हाथों लेकर भाजपा सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। अपने उद्बोधन में जातिगत जनगणना को लेकर कहा, जब भी मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूँ भाजपा कॉँप जाती है। जातिगत जनगणना होने से आदिवासी, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्गों की जनसंख्या पता चलेगी। भाजपा नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। वही बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। मंडी में सभा के आयोजन से लोगों का मिर्ची की धार से बुरा हाल रहा। वही मिर्ची की धार से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी अपने उद्बोधन में कई बार खासे। जिले के कांग्रेस के चारों विधानसभा प्रत्याशी, राजपुर विधानसभा से प्रत्याशी बाला बच्चन, सिंधवा प्रत्याशी मोंटू सोलंकी, पानसेमल प्रत्याशी चंद्रभागा किराड़े, बड़वानी प्रत्याशी राजन मंडलोई है। बड़वानी कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र दरबार मौजूद थे। जिले के चारा विधानसभा से पहुंचे लोगों राहुल गांधी को सुनने सभा स्थल। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की सरकार नंबर वन भ्रष्टाचार सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। भाई और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।